तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए आपके लिए ह्यूमन राइट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ह्यूमन राइट्स के विषय में, और इसका जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, इस वजह से ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन राइट्स क्या होता है। नॉर्मली दोस्तों, जैसे कि जैसे हम लोग एक ह्यूमन बीन हैं, तो हर एक ह्यूमन बीन के कुछ राइट होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो एक स्वतंत्र तरीके से जी सके, इज्जतदार तरीके से जी सके, बिना भय से वो अपना जीवन व्यतीत करे, वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, अपने व्यक्तित्व विकास कर सके। इसके राइट्स हैं, हर देश के हर नागरिक के पास होते हैं। दोस्तों, जो हमारी पहले से सिविलाइजेशन थी वहाँ पर भी ये राइट्स दिए जाते थे। एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग है तो उसको जीने के लिए तो बहुत बेसिक से राइट तो होने ही होने चाहिए कि अच्छे से जी सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने मन का अच्छे से काम कर सके। तब जब ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई जानता नहीं था, तब भी वो उस सिविलाइजेशन में, समाज में इसका पार्ट थी, क्योंकि हमारे वैदिक काल में भी ये बताया गया है। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसको सबसे पहले 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा में इसके बारे में बात की गई थी कि मानव अधिकार के बारे में। और इसके बाद फ्रांस रिवॉल्यूशन 1789 में भी इसकी बात की गई थी। यूएनओ में 10 जुलाई 1948 में यूएनओ में बात की गई। इसी वजह से हम 10 जुलाई को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। देखिए, आप एक समझदार हैं, आपको पता ही होगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग के नॉर्मली राइट्स तो होते ही हैं। ये कौन कौन से, ये समझ लेते हैं कि हर एक आदमी को डे का बर्थ, जन्म लेने का अधिकार है। ठीक है, हर एक आदमी को ये जन्म लेने का अधिकार है। उसके नेम, नेशनैलिटी, नाम और उसकी राष्ट्रीयता का अधिकार है। अगर कोई आदमी जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई नाम है, होगा, और उसका अधिकार है। और वो जहाँ पर जन्म लेता है उसकी राष्ट्रीयता होती है, वो भी उसका अधिकार है। वैक्सीनेशन का अधिकार है, टीकाकरण होना चाहिए उसे। वो डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है कि वो गरिमापूर्वक अपना जी सके। ठीक है, जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना, कपड़ा, मकान, बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं, वो भी उसका अधिकार है। कि एक ह्यूमन बीइंग का ये भी अधिकार है कि नो उसका कोई शोषण ना करे, किसी को गुलाम ना बनाया जाए, स्लेवरी ना बनाया जाए, क्योंकि जो पहले होता था बहुत पुराने ज़माने में, कभी कोई किसी को कोई स्लेवरी नहीं बना सकता, गुलाम नहीं बना सकता। एजुकेशन देने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है एक ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, शिक्षा लेने का अधिकार है। पॉलिटिकल राइट्स हैं और बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स तो हम लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं वो हर एक इंसान को, इस जो पृथ्वी में हर एक ह्यूमन बीइंग को मिले हुए हैं। चाहे वो किसी देश, दूसरे देश का आदमी अगर यहाँ पर आता है, उसको भी ये नॉर्मली राइट्स हैं। लीगल तरीके से वहाँ पर, यहाँ पर रह सकता है, व्यापार भी कर सकता है। अगर उसको मतलब कभी तबीयत ख़राब होती है तो उसके लिए भी वो हॉस्पिटल में जा सकता है, अपनी दवा करा सकता है, और एक गरिमा तरीके से यहाँ पर भी रह सकता है। तो नॉर्मली बेसिक से मानव अधिकार होते हैं, बेसिक से ह्यूमन राइट्स हैं जो हर एक आदमी को मिले होते हैं और ज़रूरी भी है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, जब देखो कि राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाया गया, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया। किसी ह्यूमन बीइंग के जो अधिकार है वो कोई छीने ना, ठीक है, परेशान ना करे, क्योंकि जो वीकर सेक्शन होते हैं, कमज़ोर वर्ग के आदमी होते हैं, तो उनको लोग परेशान करते हैं। ठीक है, तो उनके राइट्स का संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया गया है, क्योंकि उनका कोई शोषण ना करे। इसमें 43 सेक्शन हैं, 8 चैप्टर हैं। 28 सितंबर 1993 को यह इन्फोर्स में आया। ठीक है, सेक्शन 3 में बताया गया नेशनल कमीशन के बारे में, सेक्शन 12 में बताया फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों, हम हर एक सेक्शन को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक शुरू से अंत तक सेक्शन को पूरे कंप्लीट करेंगे, परेशान ना होइएगा, क्योंकि इसमें जो जांच मतलब इंक्वायरी होती है, जांच होती है,
किसी के राइट्स का उल्लंघन होता है, तुम्हारा जो स्टेट होता है, सेंट्रल होता है या स्टेट होता है, ये इसके प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, संरक्षण करता है। जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है, एनजीओ होते हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर कोई विक्टिम है उसकी हेल्प करता है, रिसर्च करता है, और इंटरनेशनल कॉनवे को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो बना है, ठीक। इसका थोड़ा बेसिक सा था, आगे हम ए टू जेड सब जानेंगे। तो इसका इतना आप समझ गए होंगे आराम से कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, बेसिक नीड होती है हर एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। कोई उनको परेशान ना करे, आराम से वो अपना जीवन जी रहे हैं गरिमापूर्वक, तो इस वजह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्ट बनाया गया। आगे चलते हैं, अब ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं 2006 और 2019 के साथ, ये सब इसी में भी हैं। अमेंडमेंट सहित अब आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अमेंडमेंट जो हुए हैं उनको हमने साथ में ले लिया है, इससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो सेक्शन दो है दोस्तों, हमारा सेक्शन दो है, उसमें डिफिनेशंस बताई गई हैं, ठीक है। मेक एक करके सभी पढ़ेंगे, ठीक। पहले ए में है, सेक्शन टू के ए में सशस्त्र बलों के बारे में बताया गया है। सशस्त्र बल से यह तात्पर्य है कि नौसेना जो हमारी होती है, सैन्य सेना होती है और वायुसेना होती है। सशस्त्र बल से क्या तात्पर्य है? नौसेना, सैन्य और वायुसेना, तथा इसमें संघ के अन्य सशस्त्र बल भी शामिल हैं, जो इसके सेंट्रल के और भी जितने सशस्त्र बल हैं वो इसी में शामिल हैं, ठीक। सेक्शन टू के बी में क्या दे रखा है? अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष का तात्पर्य आयोग या राज आयोग के अध्यक्ष से है, जैसा भी मामला हो, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब है आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष, जो हमारे सेंट्रल और राज्य आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में बात की गई है। बी के ए में मुख्य आयुक्त के बारे में बताया गया है। मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेय है। जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए मुख्य आयुक्त बनाया गया है, ये अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया। जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी मुख्य आयुक्त बनाया गया। सी में दे रखा है आयोग के बारे में। आयोग से तात्पर्य है धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। आयोग का मतलब है जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वही तात्पर्य है। ये सेक्शन 3 में दे रखा है, धारा 3 में। डी में दे रखा है मानवाधिकार। मानवाधिकार का अर्थ है संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निहित था भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवृत्त व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार है, ठीक है। देखो मानवाधिकार हमारा क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है और जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ है उसने भी बता रखा है, हमारे न्यायालय ने भी बताया है कि व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, किसी में भेद नहीं करना, सबको सम्मान देना है और सम्मान से जीने का सबका अधिकार है, ठीक है। ई में क्या दे रखा है? टू के सेक्शन टू क्लॉज ई में मानवाधिकार न्यायालय का तात्पर्य धारा 30 के अंतर्गत निर्दिष्ट मानवाधिकार न्यायालय से। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय बनाया गया है, उसी से तात्पर्य, आगे समझेंगे इसको। एफ में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं का अर्थ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अपनाई गई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई ऐसी अन्य प्रसंविधा या अभिसमय जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट है, कि जो 16 दिसंबर 1966 को महासभा हुई थी उसमें सबने अपनाया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सबने उसमें अपनाया,
इस महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट है, इन्होंने भी अपनाया है। सेक्शन टू क्लॉज जी में क्या है, सदस्य से है, सदस्य के बारे में बताया गया है कि यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेय है। सदस्य का मतलब है जो आयोग तथा राज्य आयोग का सदस्य है। जी के ए में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से तात्पर्य है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब है जो इसका अधिनियम बनाया गया है 1993 की धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो या अल्पसंख्यक आयोग हो या बाल अधिकार आयोग हो, ये सब इसी के द्वारा गवर्न किए जाते हैं और ये सब ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में आते हैं। एच में दे रखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से है। एच ए में दे रखा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका तात्पर्य है बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ठीक, आई में दे रखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अभिप्रेय है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में अनुच्छेद में बताया गया है उससे ही यह प्रेरित है। आई ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, संविधान के अनुच्छेद 338 ए में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है। जे में दे रखा है राष्ट्रीय महिला आयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। के में दे रखा है अधिसूचना का तात्पर्य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। जो हमारी अधिसूचना होती है वो सरकारी राजपत्र द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसे ही अधिसूचना बोलते हैं। एल में है विहित का अर्थ है इस अधिनियम में अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, जो इस अधिनियम के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन्हीं को विहित बोलते हैं। ठीक है, एम में दे रखा है लोकसेवक, लोकसेवक का अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में निर्दिष्ट है, वो हमारा लोकसेवक होता है। एन होता है राज्य आयोग से, तात्पर्य धारा 21 के अंतर्गत गठित राज्य मानवाधिकार आयोग से है। राज्य आयोग क्या है, जो 21 धारा 21 में अंतर्गत गठित राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, ये सेक्शन 2 थे, इसमें काफ़ी डिफिनेशन दे रखी हुई थी, इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, जितने भी आयोग बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वो सब इसी में आते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। देखो ऐसा करना कि रिवीजन कर लेना दोबारा, ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देख लो, अच्छे रिवीजन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 3 देखते हैं, सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 दे रखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन कैसे होगा, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। जो हमारी केंद्र सरकार है ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और कार्यों का पालन कराने के लिए एक आयोग का गठन करेगी, उसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। ठीक, आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे, कौन कौन आयोग में शामिल होंगे, एक अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या भी हो या पहले हो रहा हो पूर्व, ठीक है, एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, या भी हो या रहा हो। आयोग गठन करने में कौन कौन शामिल होंगे, 3 सदस्य जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, 3 सदस्य होंगे जिनमें से एक महिला होगी। ठीक है,
इस संशोधन के द्वारा लाया गया है। ठीक है, पहले 2 सदस्य थे, होते थे, लेकिन अब 3 किए गए हैं, उसमें 1 महिला होनी चाहिए। ठीक है, मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा, जिनके जो ज्ञान और व्यवहारिक हैं वो व्यक्ति भी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने में, ठीक है, ये लोग शामिल होंगे आयोग में। आया समझ में आपको? आगे चलते हैं सेक्शन फोर में बताया गया अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित वारंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात की जाएंगी। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इनकी भी सहमति होनी चाहिए। किनकी किनकी होनी चाहिए, आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्य परिषद में विपक्ष के नेता सदस्य, राज्य परिषद के उपाध्यक्ष सदस्य। ठीक है, इनकी भी सिफारिश होनी चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए आयोग के, ये सेक्शन 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 में दे रखा है अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र और हटाया जाना। जो अध्यक्ष है या सदस्य है आयोग का, वो या तो त्याग पत्र देगा या उसे हटा दिया जाएगा। वो कैसे होगा ये समझते हैं इसको। अध्यक्ष या कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अध्यक्ष या किसी सदस्य को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उसके पद से हटाया जाएगा। जब उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उस नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी गई हो कि यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा यदि अध्यक्ष या ऐसा सदस्य, जैसा भी मामला हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। वो अध्यक्ष या सदस्य तो हटा सकते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होता हो, या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है या विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। ऐसा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया जाता है और कारावास की सजा दी जाती। अगर ये सब होंगे तो उसको पद से हटा देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, या तो आप खुद से त्यागपत्र दे दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इन बातों में आते हैं तो आपको राष्ट्रपति हटा देंगे। ठीक है, विकृतचित्त होना चाहिए, वो भी न्यायालय आपको घोषित करे। ठीक है, अगर आपकी शरीर दुर्बलता इतना बीमार रहने लगे कि आप वो पद धारण नहीं कर सकते, अयोग्य हो गए, तो भी आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं।